तो दोस्तों कल के वीडियो अगर आप देखे होंगे तो कल हम बात किए थे टेक की बातें के वीडियो में लावा की आग के बारे में। जी हाँ, लावा ने लॉन्च कर दिया अग्नि 5। उसी सेम स्टेशन के साथ पोको ने एक सेम तो नहीं बोल सकते लेकिन प्रोसेसर सेम है, तो पोको ने एक फोन ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। वो बहुत जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, क्या उसका नाम है, क्या स्पेशल है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, कल मैं वीडियो में बताया था कि आज हम बात करेंगे रेडमी के नोट 11 के बारे में, लेकिन वही सेम है तो उसके बारे में बात करेंगे। वो भी आएगा और ये भी आएगा, तो इसके बारे में आज बात कर लेते क्योंकि फ्रेश है, कल ही लॉन्च हुआ है ग्लोबली, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि पोको का जो अपकमिंग फोन है कैसा है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि पोको ने एक नया फोन लॉन्च कर दिया, इसका नाम है पोको M4 Pro। जी हाँ, M3 Pro तो ऑलरेडी इंडिया में मिल रहा है, वो भी 5G फोन है, बहुत ही अच्छा फोन है उसको प्राइस के देखते हुए। उसी तरह पोको M4 Pro ये लॉन्च हो गया ग्लोबली। क्या है उसका डिजाइन, क्या स्पेशल है, उसके बारे में बात करते हैं। डिजाइन की बात करते हैं तो जो पोको का M3 Pro था उस तरह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं सिर्फ डुअल टोन डिजाइन को छोड़ देंगे तो बाकी अगर आप देखेंगे तो ये रेडमी का जो नोट सीरीज है उसी तरह ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें अलग क्या है, इसमें आपको एक डुअल टोन जो पोको का हर फोन में आपको देखने को मिलता है, M3 Pro हो गया, M3 हो गया, सब में आपको डुअल टोन का डिजाइन देखने को मिलता है, यानी कि दो कलर देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ, उसी तरह का यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करते हो, 6.6 इंच का यहाँ पे आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये LCD डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपको सुपर नहीं मिलेगा लेकिन 1080p वाला आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट की बात करते हो, यहाँ पे भी जैसे कि बताया कि लावा की तरह ही आपको देखने को मिलेगा या फिर रियलमी का 8S 5G जिस तरह उसी तरह देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और लावा और रियलमी से अलग क्या है इसमें, तो यहाँ पे आपको 240Hz का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे सेम है लावा और रियलमी की तरह, रियलमी का जो 8S 5G है, लावा का जो अग्नि लॉन्च हुआ है उसी की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 810 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इंडिया में तो ऑलरेडी दो फोन इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो गए, एक है लावा और एक रियलमी का 8S है। अब ये तीसरा फोन हो सकता है ये पहले आएगा मे बी, या फिर रेडमी नोट 11 आएगा, दोनों एक साथ में भी आ सकते हैं, दोनों डिजाइन भी सेम ही दिखते हैं लगभग। तो यहाँ पे भी आपको मीडियाटेक का Dimensity 810 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा और मालिका G57 वाला GPU यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे रैम रोम वेरियंट की बात करते हैं तो दो वेरियंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि रियलमी और लावा में देखने को नहीं मिलता, उसमें सिंगल वेरियंट मिलता है वो भी 8GB रैम के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिलेंगे और दोनों 8GB से कम, यानी कि 4GB 64GB एंड 6GB 120GB दो वेरियंट में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे हो सकता है कि इसका प्राइस थोड़ा उन दोनों कंपनी से थोड़ा कम आपको देखने को मिले, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 8GB रैम नहीं मिल रहा है तो उसमें आपको मे भी 1-2 हज़ार कम देखने को मिल सकता है। जब आएगा तो पता चलेगा कंफर्म प्राइस, लेकिन अभी के लिए मुझे जहाँ तक लगता है शायद से कम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे बताइए 4GB 64GB एंड 6GB 120GB दो वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टोरेज क्वालिटी की बात करो, UFS 2.2 यानी कि अल्ट्रा स्टोरेज 2.2 आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा होगा वो 50MP का आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट सेल्फी की बात करो 16MP का यहाँ पे आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और क्या कुछ मिलेगा, तो MIUI 12.5 आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से पोको का UI देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बाकी चीजों की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड वाला जैसे कि बाकी फोन में भी आजकल देखने को मिलता है, LCD डिस्प्ले 90Hz के साथ आता है या फिर 120Hz के साथ होता है और साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा। पोर्ट की बात करते हो, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और बाकी जो जैसे बताया 4G वोल्टी 5G फोन है, 5G भी आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करते हो, 5000mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा और जैसे बताया टाइप सी पोर्ट मिलेगा। चार्जर की बात करें तो 33W का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कलर और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो तीन कलर में देखने को मिल जाएंगे जैसे कि बाकी पोको के फोन होते हैं, सेम कलर आपको देखने को मिले, यानी कि ब्लैक, ब्लू एंड येलो, दो पोको येलो कलर जो होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करते हैं तो जो बेस वेरिएंट है ये ग्लोबल प्राइस है, यानी कि इससे 2-3 हज़ार काट के इंडियन प्राइस आपको देखने को मिलेगा जब इंडिया में लॉन्च होगा। तो यूरोपियन कंट्री में जब लॉन्च होता है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री में ही लॉन्च हुआ है, तो जब यूरोपियन कंट्री में लॉन्च होता है तो मिनिमम उस प्राइस से आप 5000 काट लेंगे तो वो इंडियन प्राइस होगा। तो ये जो ग्लोबली यानी यूरोपियन कंट्री में जो लॉन्च हुआ है इसका प्राइस रखा गया बेस वेरियंट यानी कि 4GB 64GB का अप्रॉक्स 20K के आसपास, जी हाँ 20,000 के आसपास रखा गया है, और उसका अपर वेरिएंट यानी कि 6GB 120GB उसका प्राइस 21,000-21,500 के आसपास रखा गया है। तब जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस हो सकता है मे बी जो 4G वर्जन है
4G 64G वाला, उसका प्राइस आपको 16 से लेकर 17,000 के अंदर देखने को मिल सकता है, और 6G वाला आपको 18,000 के आसपास देखने को मिल सकता है जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। अब ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो ये इसी नवंबर के महीने से ग्लोबली रोल आउट हो रहा है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया के एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो दिसंबर के महीने में आपको, दिसंबर में भी फर्स्ट वीक में या फिर नवंबर लास्ट वीक में आपको ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों पोको का M4 Pro की कहानी। आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना, और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस फोन के बारे में। अगर आप वेट कर रहे थे कि 5G वाला फोन खरीदेंगे इस तरह का स्पेसन के साथ और लावा रियलमी में कन्फ्यूज हो रहे थे, तो कन्फ्यूज करने के लिए और एक फोन भी आ रहा है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए डिपेंडेंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।